तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 21 जनवरी पहला पाठ, इब्रानियों के नाम, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 2 से 3, 11 से 14 तक। एक तंबू खड़ा कर दिया गया, उसके अगले भाग में दीपाधार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थी, वह मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक थे, महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और केलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। ये प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुर्री के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुर्री के घोष के साथ आगे बढ़ता है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य, ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुर्री के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारी राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य, ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुर्री के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य, ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। जय घोष, आलेलुया। अनुवाक्य, आलेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। अनुवाक्य, हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार, अध्याय 3, पद संख्या 20 से 21। यीशु घर लौटे
और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।